तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही प्यारी बहुत ही रोचक न्यूज के साथ। दोस्तों, न्यूज जानने से पहले आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षकों का संविलियन हो चुका है और संविलियन होने के तुरंत बाद ही आपको एक और गुड न्यूज मिल गई है। मतलब मध्य प्रदेश के सीएम ने जो है 90,000 पद निकालने की घोषणा की है। उस 90,000 में से 31,645 पद तो शिक्षा विभाग में ही निकलेंगे, यानी कि संविदा शिक्षक 1, 2 और 3। बिल्कुल नहीं दोस्तों, संविदा शिक्षक इस बार वैकेंसी नहीं निकलेंगी, इस बार वैकेंसी निकलेंगी सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक। इस बार जो है संविदा नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वो रोचक तथ्य रोचक जानकारी बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जो डीएड का जो कोर्स पुराना जो चलता था और वर्तमान में जो कोर्स अभी चल रहा है डीएलएड का, इनमें क्या डिफरेंट है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कमेंट करके, सर जो डीएलएड का कोर्स होता है वो केवल उन्हीं के लिए, केवल 1 से 5 जो वैकेंसी निकलती है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, केवल उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, कक्षा 5 से कक्षा 8 में अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनमें अंतर बताता हूँ कि इनमें अंतर होता क्या है। तो दोस्तों, होता क्या है कि पहले जो है इसका नाम था डीएड अर्थात डिप्लोमा इन एजुकेशन, फिर इसके बाद जो है विभिन्न राज्यों में इसका अलग अलग नाम चलता था, जैसे जेबीटी, डीटीईटी, और यहाँ पर डीटीईटी हो गया आपका, ईटीटी हो गया आपका, और ऐसे बहुत सारे जो है इसके नाम अलग अलग राज्यों में थे। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि इन जो अलग अलग नाम थे, कोर्स एक ही है, नाम अलग अलग हैं, 12वीं के बाद यह किया जाता है और इसकी जो है अवधि रहती है वो 2 वर्ष रहती है। तो भारत सरकार ने ऐसे में क्या किया कि केवल इन सब का नाम खत्म करके एक ही कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है डीएलएड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा। अब यहाँ पर प्राथमिक शब्द आ जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यह कक्षा 1 से लगाकर 5 तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं और उनकी वैकेंसी निकलती है केवल उसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि 1 से 5 में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, 1 से 5 तक जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें आपको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 से 8 में भी जो शिक्षक पढ़ाते हैं आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ प्रूफ की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और यहाँ पर क्लासेस कक्षा 1 से 5 तक, मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10 धन 2, कम से कम 50% के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन उसमें लिखी है टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो सही है कि 1 से 5 तक जो वैकेंसी निकलती है उसमें डीएलएड की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि कक्षा 5 से 8 तक जो सीटीईटी वैकेंसी निकालता है उसमें जो है डीएलएड चलता है या नहीं चलता। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा जो है 6 से 8 तक। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एंड एजुकेशन, मतलब जो है कि आप फाइनल ईयर में होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कक्षा 6 से 8 और क्या लिखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ ग्रेजुएशन, यानी कि आप कक्षा 6 से 8 तक जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट, या फिर दोस्तों आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन 50% के साथ और बीएड, जो 1 वर्ष का बीएड का कोर्स होता था वो, या फिर आपके पास होना चाहिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं 50% अंकों के साथ, और जो बीएड का कोर्स होता है अर्थात बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 वर्षीय कोर्स होता है, या फिर आपके पास वो होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से, या फिर BA+BEd आपके साथ पास हो, BSc+BEd आपके पास हो, तब भी आप वर्ग 2 में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर आप मुझे बताएं कि डीएड
और डीएलएड में क्या अंतर होता है, और जो डीएलएड का जो कोर्स है, नया कोर्स अभी हाल ही में लगभग 3 4 साल पहले से ये स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो ये वर्ग 2 में चलेगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी वैकेंसी जो निकलती हैं उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी क्वालिफिकेशन में यह मान्य होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों का मुझे मेल आ रहा था कंटिन्यू, तो मैंने उन सोचा कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व। और दोस्तों जो नायोस डीएलएड करवा रही है, जो बच्चे नायोस से डीएलएड कर रहे हैं वो भी 100% वैलिड रहेगा, चाहे वो स्टेट लेवल वैकेंसी हो, चाहे एमपी टीचर्स लेवल वैकेंसी हो या एनी अदर स्टेट लेवल वैकेंसी हो, सभी में वो वैलिड रहेगा। नायोस को जो डायरेक्टर हैं श्रीमान चंद्रभूषण जी, उन्होंने इसका खुद स्वयं खुलासा किया है। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को एंड में या फिर ऊपर आई बटन के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।